हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये है मेरा मायके का ब्लॉग, जिसमें मैं अपने मायके में आई हुई हूँ। और ये कुछ सूट्स मैं जो शॉपिंग करके लाई हूँ, तो ये मैं भाभी को दिखा रही हूँ। और यहाँ पे चल रही है बच्चों की मस्ती, मेरे बच्चे और भाई के बच्चे एक साथ मिलके एक मिनट भी शांत नहीं बैठते हैं। बहुत परेशान कर दिया इन्होंने मुझे 5-6 दिन में वहाँ पे। और मेरी फ्रेंड्स भी विंटर वेकेशन में आई हुई थी, तो मैं उससे मिलने के लिए उसके घर पे गई। मेरी फ्रेंड भी है, मासी की बेटी भी है। और ये हमारा यहाँ पर नाश्ता पानी चल रहा है, और फिर उसके बाद बच्चों के लिए और हम सब ने भी खाया, तो ये बाहर से कुछ मोमोज समोसे वगैरह मंगा लिए। एक साथ मिलके गपशप कर रहे थे, वो भी ससुराल से आई हुई थी और मैं भी, तो आप देख सकते हो। देखो मेरी फ्रेंड ने मेरे लिए खाना बनाया, मुझे खिलाया के हाय बोलो। और ये मेरी मौसी है। तो गाइस, ये मेरी भाभी मेरे लिए लड्डू बना रही है, क्योंकि मैं कल जाऊंगी अपनी ससुराल, छुट्टियों में मैं आई हुई थी। तो ये लड्डू के लिए मेवा भून रही है। क्या क्या भूना है इसमें? इसमें काजू है, बादाम है, गोंद है। अच्छा, और ये है लड्डुओं का मिक्सचर, इसमें नारियल है, बूरा है, आटा है भुना हुआ। और अभी इसमें खोवा भी डालेंगी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और देखो मेरी भाभी कितनी अच्छी है, जो अपनी ननंद को लड्डू बना के दे रही है। ये हमारी मेवा भुन चुकी है सारी, मतलब डीप फ्राई करी थी। यहाँ पे हो रहा है न्यू ईयर सेलिब्रेशन। ये मेरे पापा हैं और मेरे मामा जी भी घर पे आए हुए थे, तो न्यू ईयर का केक मामा जी और पापा ने ही कट किया था। और ये है मेरा भतीजा वेदांत। तो अब 6 दिन मैं अपने घर रह के वापस अपनी ससुराल आ रही हूँ। से आ चुकी हूँ और चाची मेरे कपड़े देखने आई है। ये देखो चद्दर का पूरे वो खोल दी, तय बना के जाएंगी नी। और यहाँ मेरे पूरे कपड़े बिखेर दिए खोल के, जी लग रहा है तो। और का सारे डिजाइन देखोगी ना, फिर सेम लेके आओगी मोचड़ाने को। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो गाइस, अभी मैं विंटर वेकेशन में अपने घर गई थी 1 हफ्ते के लिए, बच्चों की वेकेशन चल रही थी। तो ये सब कपड़े मैं अपने वहीं से लेके आई हूँ, ये सब आप देख सकते हो। ये मेरी जैकेट, ब्लेजर और ये भी एक शॉर्ट ब्लेजर। तो इन सब के लिए मैं आपके लिए एक इंडिविजुअली वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको अपने सभी सूट दिखाऊंगी जो मैं अपने घर से लेके आई हूँ। अभी आप देख सकते हो, अभी मैं
मैंने बैग से निकाले तो मैंने बेड पे रख दिए। इसके अंदर भी सूट्स हैं और इसमें मेरी कुर्तियां हैं, 3-4 कुर्तियां, और ये मम्मी के सूट है दोनों, ये माजी का, और बाकी सब मेरे हैं। ये जैकेट भी मेरी है, ब्लेजर भी मेरी। हे गाइस, तो देखो मेरी अलमारी, मैंने आज पूरी अलमारी के कपड़े बाहर रख दिए हैं क्योंकि अलमारी बिल्कुल बहुत ज़्यादा वैसी हो रही थी। पहले मैंने सेट करके रखी थी, उसके बाद फिर जैसे जैसे मैं कपड़े यूज़ करती रही, पहनती रही, फिर उन्हें इधर उधर ही रखती रही, तो अब मैं इन्हें ढंग से लगा के रखूँगी क्योंकि अब मुझसे अलमारी बेचारी देख ही नहीं जा रही थी। और आप देख सकते हो पूरे बेड पर मेरे कपड़े फैले हुए हैं। अब मैं इन कपड़ों को अलमारी में सेट करूँगी, और अभी मेरे कुछ कपड़े बेड में रखे हुए हैं और कुछ जो मैं घर से लेके आई हूँ अभी वो उनके मतलब बैग में रखे हुए हैं, वो मैंने बाहर नहीं निकाले हैं। तो आज का पूरा दिन मेरा इसी में जाएगा। तो गाइज, मेरी अलमारी सेट हो चुकी है। मैंने इस वाली रो में रखे हैं अपने वो वाले सूट जो मैं अभी कम पहन रही हूँ, इस वाली रो में जो ज़्यादा जिनका नंबर आता है, और इस वाली रो में वो जो अभी मन नहीं है पहनने का बट कभी कभी पहन लेती हूँ। तो और यहाँ पे एक दो सूट एक्स्ट्रा थे वो वाले, और ये मेरे नाइट सूट्स, और ये कुछ एक्स्ट्रा दुपट्टे वो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं, जो कुछ सूट रिटायर हो गए बट दुपट्टे मुझे बहुत अच्छे लगते थे तो मैंने रखे हुए हैं। और ये मेरा विंटर के रख दिए मैंने यहाँ पे अपने स्वेटर जैकेट वगैरह, और ये मेरे स्टॉल, और ये मेरी लैगी, जितनी भी लैगिंग्स है सभी मैंने यहाँ पे रख दी है, और ये मेरे स्टॉल। देख सकते हो मेरी अलमारी सेट हो चुकी है, पर पता नहीं कब तक के लिए, दोबारा कब ये दोबारा से बिखरेगी।